Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Sana's Quick Kitchen. I hope you all are doing great. आज हम बनाने वाले हैं वेज कटलेट, वेजिटेबल कटलेट. तो हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. ब्रेड क्रम्स 4 टेबलस्पून, राइस फ्लावर 2.5 टेबलस्पून, कॉर्न फ्लावर 2 टेबलस्पून. गोभी 1 कप हमने अच्छी तरह वॉश कर कट करके उसका पानी पूरा निचोड़ लिया है. ध्यान रखें जो भी वेजिटेबल्स आप ले रहे हो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए. पानी को अच्छी तरह स्ट्रेन कर लें. 1 कप मक्के के दाने, 1 कप हरा वटाना, 1 कप गाजर, उसको हमने अच्छी तरह कट कर और ये सारी चीज़ों को बॉईल कर लिया था. प्लीज़ ध्यान रखिए वेजिटेबल्स बॉईल होने के बाद उसका पूरा पानी स्ट्रेन कर लें. अगर हमने पानी स्ट्रेन नहीं किया तो हमारे कटलेट टूट सकते हैं. अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, नींबू जूस हमने यहाँ पे हाफ लेमन यूज़ किया है, बटाटा हमने पहले बटाटे को बॉईल किया है, उसे पील करके उसे मैश कर लिया है. छोटे साइज के कांदे को हमने फाइनली चॉप कर लिया है. धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, पाव भाजी मसाला 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 3 हरी मिर्चें. आप हरी मिर्चें और ऐड कर सकते हैं. अभी हम यहाँ पे एक बोल ले लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे मैश पोटैटोस, फिर ऐड कर देंगे सारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स. याद रखें आपको पानी बिल्कुल नहीं रखना है किसी भी सब्ज़ी में. अब हम ऐड कर लेंगे गोभी. गोभी ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे अनियन. अनियन ऐड करते ही हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और बाद में सारे स्पाइसेस और हरी मिर्चें. फिर हम शामिल कर देंगे नींबू का जूस. अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह. फिर हम ऐड कर लेंगे ब्रेड क्रम्स, चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर. इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. ये है वेज कटलेट. अगर आपको चिकन कटलेट बनाना है तो इसमें ऐड कर लीजिएगा बॉइल्ड श्रेडेड चिकन. आज हम हार्ट शेप के कटलेट बना रहे हैं, उसके लिए हमने लगेंगे ऑयल, एक खाली प्लेट और मोल्ड, कटलेट मोल्ड. आप कोई भी शेप की कटलेट बना सकते हैं. पहले आप प्लेट को ग्रीस कर ले ऑयल से, फिर प्लेट पे हम मोल्ड रख देंगे और उसके बाद हम बैटर डाल देंगे. बैटर ऐड कर हम अच्छी तरह इवनली स्प्रेड कर लेंगे. आप कोई भी शेप के कटलेट बना सकते हैं आपके चॉइस के. जो हम गोल शेप बनाते हैं वो आप हाथों पे भी बना सकते हैं. हाथों को ग्रीस कर उसमें थोड़ा सा बैटर लेकर उसे राउंड शेप में रोल कर ले. देखिए हमने मोल्ड निकाल दिया, उसे अच्छी तरह शेप दे दी है. अब हम सारे कटलेट्स इसी तरह तैयार कर लेंगे. देखिए हमने राउंड शेप के कटलेट भी बनाए हैं. परफेक्ट शेप. देखिए हमने सारे कटलेट्स को शेप दे दिए. अब हम फ्राई कर लेंगे. एक पैन ले लें, उसमें ऑयल डालिए. हमें डीप फ्राई करना है तो ऑयल ज़्यादा ले लीजिएगा. फ्लेम मीडियम पे रखकर हम ऐड कर लेंगे कटलेट, उसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे. हमें एक साइड उसे 3 मिनट फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे. फिर हम फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड भी 3 मिनट फ्राई कर लेंगे या जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है. देखिए हमारी कटलेट रेडी है. अब हम इसे निकाल देंगे और सर्व कर लेंगे. टेस्टी, ये सही में बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बना था. प्लीज़ आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. यम्मी. ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए. आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिए. टेस्टी, प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. यम्मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल सनाज क्विक किचन एंड हिट द बेल आइकॉन. टिल देन शुक्राना. अस्सलाम वालेकुम.